कारण है, जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है। क्या इनका चोली दामन का संबंध है? भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस, दोनों का यही रिश्ता है, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए, यह इनका आपस में रिश्ता है। हम बने, तुम बने, एक दूजे के लिए, यह करप्शन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता है। गाना है, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तू चल मैं आई। विरोधी का, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी सरकार के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा, कोई नहीं कह सकता। क्या कारण है, जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है? क्या इनका चोली दामन का संबंध है? मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, देखते हैं कि नहीं देखे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि उसने सही कहा था, भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस, दोनों का यही रिश्ता है, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए, यह इनका आपस में रिश्ता है। हम बने, तुम बने, एक दूजे के लिए, यह करप्शन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता है। यह हालत है इनकी। एक फिल्म शायद आप लोगों ने देखी होगी, उस फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। कितने लोगों ने देखा, देखा है नौजवानों ने, सबने देखा है। तो उसमें गाना है, आपको याद होगा, और गाना है, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तू चल मैं आई। अरे करप्शन कहेगा कांग्रेस से, तू चल, सरकार बना, मैं आई, तुम्हारे मैं साथ हूं। यह हालत हो गई। जब जब इनकी सरकार बनती है तब तब करप्शन बढ़ता है। लेकिन हमारी सरकार 10 वर्षों से बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार कैसे चलाई जाती है इसकी कला यदि किसी के पास है इस हिंदुस्तान की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है मेरे बहनों भाई। कैसे चलाई जाती है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी कांग्रेस के लोग अनाप शनाप, अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चस्पा करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, यानी सोशल इंपावरमेंट के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या कभी किसी ने सोचा था कि वह भी दिन आएगा कि भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो कहेगा कि भारत में रहने वाले एक भी व्यक्ति ऐसा शेष नहीं बचेगा जिसकी छत पक्की न हो मेरे बहनों भाइयों। और यह करके दिखा दिया। और मैं आज आश्वस्त आपको करना चाहता हूं, यदि कोई ऐसा बचा होगा तो उसको भी पक्का छत मुहैया होकर रहेगा। राजस्थान की हालत तो मैं जानता हूं, मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है यहां की माताओं बहनों को पानी लेने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था, घड़े पर घड़ा भरा हुआ पानी लेकर आते हुए राजस्थान की माताओं बहनों को हमने देखा। पहली बार किसी संवेदनशील प्रधानमंत्री ने यह सोचा है कि हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचना चाहिए जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। शौचालय सरकार बनाएगी। जब यह फैसला लेने के बाद इसकी घोषणा हुई तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे, अब आप लोग शौचालय बनवाने के लिए आए हैं क्या? बहनों भाइयों, गरीब माताओं बहनों की इज्जत नहीं होती है क्या? उनके लिए शौचालय नहीं चाहिए? लेकिन हमारी सरकार ने घर घर में शौचालय बनवाए। हमने हर गरीब की चिंता की है, क्योंकि हम यह मानते हैं जब तक हर व्यक्ति गरीबी से मुक्त नहीं होगा तब तक हम भारत को जैसा सशक्त भारत बनाना चाहते हैं वैसा सशक्त भारत बनाने का स्वप्न भी हमारा किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकता। कई कदम ऐसे उठाए। किसानों का जहां तक प्रश्न है, किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है प्रतिवर्ष।
क्या किसानों की बहुत सारी न्यूनतम आवश्यकताएं उसके कारण पूरी नहीं होती? कभी केवल एक बोरी खाद के लिए उसकी फसल जितनी खेत में पैदा होनी चाहिए वो नहीं पैदा हो पाती थी उसकी कमी के कारण। कम से कम यह तो पूरा कर लेगा, बीज तो कम से कम खरीद लेगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान यदि पहली बार किसी ने किया है तो बहनों भाइयों, यह हमारी सरकार ने किया है।